कमबे वाला कमबे छे लुटेरा लुट के खाय छे। हम यही चाहते हैं हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है सर। हमरा ऊपर बता छे सर के काम खटलिए कि एक टका भी नहीं तब सरकार तरफ से कह दी काटाय नहीं। इतना इतना पैसा जो खा गया है इसका पूरा डॉक्यूमेंट सब निकाल के पूरा जनता को दिखाए। नमस्कार, मैं हूँ अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ गगरी पंचायत के देवस्थल टोला वार्ड नंबर 4 में। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितनी बहुत सारी महिलाएं हैं, भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये लोग क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ आज आप सबके लिए खबर लेकर के। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने एक काम किया था मनरेगा के तहत, पंचायत में जो काम होता है जॉब कार्ड जो सरकार दे रही है उसके तहत इन्होंने काम किया। काफ़ी सारे मजदूर हैं यहाँ पे, जितने मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब मजदूर हैं। और इनका कहना ये है कि इन्होंने काम किया और काम का जो पैसा होता है इनको नहीं मिला, इनका जो पैसा था वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ऐसा आरोप लगा है। आइए इसी क्रम में जानते हैं यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, क्या नाम है आपका? आपने इतने सारे लोगों ने जो काम किया है तो आपने अकाउंट नंबर सबका दिया है बराबर, आपने PRS को। हाँ, रोजगार सेवक तो क्या दिक्कत हो गई है जो इन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा? रोजगार सेवक को दिए, खाता नंबर पूरा चीज डिटेल दिए और उसमें बिचौलिया प्लस उत्तम भी रोजगार सेवक मिल के पैसा लाभुक का खाता में नहीं है। तो आवास वाला भी पैसा है इसमें और लेबर वाला भी पैसा है। अच्छा, कितने लोगों ने काम किया था जिसका पैसा नहीं मिल पाया? 60 लेबर काम किए थे। 60 लोगों का पैसा नहीं मिल पाया? नहीं। कब की बात है? यही तकरीबन 5 या 4 महीना हो रहा है। अच्छा, तो पैसा तो खत्म नहीं आया, इसके वजह हम फिर भी पूछे रुस्तम को तो रुस्तम कुछ नहीं बोला। आप वार्ड मेंबर हैं यहाँ के? हाँ। क्या नाम है? पत्नी है, मंटूर से पत्नी है। वार्ड मेंबर मंडिका देवी है, उसका पति है। अच्छा, आप वार्ड मेंबर के हस्बैंड हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? भंटू ऋषिदेव। अच्छा, आप लोगों ने PRS से बात किया? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने? वो बोल रहा था पैसा आज गिरेगा खाता में, कल गिरेगा, लेकिन पैसा नहीं आया। अच्छा, वो तो बिचौलिया के थ्रू निकाल लिया। हाँ, वो तो बिचौलिया के थ्रू पैसा निकाल लिया। अच्छा, क्या पैसा आएगा खाता का साथ? ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसने बिचौलिया के थ्रू पैसा निकाल लिया? हाँ, निकासी हो चुका है। इसकी सबूत, इसका डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास में। तो दोबारा आपने बात किया, अभी तक वो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि पैसा आएगा आएगा? हाँ, तो अभी जो है रुस्तम नाम है उनका? हाँ, रुस्तम। ये जो है रानीगंज पंचायत में? हाँ। और बिचौलिया का नाम है राजू। अच्छा, सुमा राजू मंडल। हाँ, सुमन मंडल। और हम यहाँ के कुछ जो मजदूर हैं, मजदूरों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है? आप लोगों ने काम किया है सब? हाँ। तो क्या नाम है आपका? चंपा देवी। कब काम किया आपने? 5 महीना पहले। आपने कितने दिन काम किया आपने? 1 महीना, 2 महीने। 2 महीने तक आपने काम किया है, आपको कोई पैसा नहीं मिला? एको पैसा नहीं मिला। अच्छा, जब पैसा के लिए आपने बोला तो क्या कहा गया आपसे? वो कहा कि अब खाता पर घुसेगा, तब खाता पर घुसेगा। अच्छा, नहीं घुसा तो हम सब कहा कि हमको पैसा कहाँ कर चले गया, इतना दिन काम किया हम सब परेशानी भर, तो हमको पैसा कहाँ चले गया? जैसा इतना इतना पैसा जो खा गया है इसका पूरा डॉक्यूमेंट सब निकाल के पूरा जनता को दिखाए कि आपका खाता पे कोई पैसा नहीं है, जो आपका बनता है मजदूरी, आपका मजदूरी निकाल लिया गया है यहाँ से, दूसरे खाता में ट्रांसफर हो। किसने बोला ऐसा? ये हम बोले। अच्छा, जैसे हमारा खाता केनरा में है, हमारा खाता और जो पैसा वहाँ से निकला हमारा जॉब कार्ड का नंबर से, वो जाके बड़ौदा से खलास हो गया। हमको तो बड़ौदा में है नहीं खाता, तो बड़ौदा में पैसा गया कैसे? सब आदमी को जब हम डिटेल मिलाए हैं तो सब में यही कोई ना कोई है, किसी को है जाके ग्रामीण बैंक में, किसी का बड़ौदा में, किसी उसमें, ऐसे करके सबका पैसा खलास हो गया। तो ऐसा होता है क्या कि जॉब आपने काम आपने किया और पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया? होता है सर, ऐसा होता है, होता है, कर रहा है ना, इसलिए हो गया। लेकिन ये यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि पासबुक इन्होंने दिया लेकिन इनका पासबुक वहाँ जमा नहीं हुआ, किसी और का पासबुक जमा हो गया और उसके नाम से पैसा ट्रांसफर हो गया, यही आपका आरोप? जी, नहीं कर, है ना जी। हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले। कितने लोगों का? सब लगभग जितने लोग, किसी का भी पैसा नहीं? किसी का नहीं गया। कितने मजदूर थे? 60 मजदूर थे। 60 मजदूर में से एक भी लोग? एक का भी पैसा नहीं गया। कितने कितने दिन काम किया लोगों ने? यह सब कोई 1 महीना 25 रोज 28 रोज या पूरा 2 महीना इतना इतना पेमेंट, किसी का 10,000 बनता, किसी का 13,000 बनता है सर, किसी का 3500 बनता है, किसी का 2, जैसा काम किया उसका डिटेल सर मेरे पास वैसे बना हुआ सर। आप किसको कसूरवार मान रहे हैं इसमें? जो पैसा जो खाया गया और पैसा जो नहीं आया 60 मजदूर, इसमें देखिए सर, इसमें रोजगार सेवक है जो बचौलिया दूंगा है वो है, जो कि अभी इंदिरा आवास जिसको अलॉट हुआ उसका लेबर पेमेंट अभी उसको खाता में नहीं गया और लेबर पेमेंट वो लोग उठा लिया, जब तक जॉब कार्ड नंबर नहीं चढ़ेगा उस पर तो पेमेंट जाएगा नहीं। अच्छा,
तो जॉब कार्ड आप लोगों से लेकर के नंबर चढ़ा के अकाउंट नंबर चेंज कर दिया। हाँ, अकाउंट नंबर चेंज कर दिया। समस्या यहाँ छह काम करे छे, पैसा उठा उठा सब खा ले छे। अच्छा, खाली कमबे वाला कमबे छे, लुटेरा लूट के खाय छे। हाँ, लुटेरा वाला लूट के खेते। आई चार नंबर वार्ड में कोई काम नहीं भा रहा छे। लोग कमबे छे, दे धुन के टोकरी धमा उठा उठा टोकरी, रौदा ब्यास में भूकल प्यास, कमबे वाला खाय छे। जे नहीं कमबे छे बिचुलिया खाय छे, झिटवा झिट के खाय छे। चार नंबर वार्ड में एते झिटवा किया छे, कहीं नहीं आवे छे। कोई आधार कार्ड नंबर ले ले छे, कोई फिंगर ले ले छे, कहीं नहीं आवे छे। ये तो ना बेमानी सतानी करे। आप भी काम किए क्या? गरीब लोग का कहीं ना ठक कहीं छे। हाँ, काम किए हम, 2 महीना कर लिए काम। अच्छा, गरीब लोग का ठक ठक कलेक्ट चल जाए छे। 2 महीना काम किए, आपको 1 रुपया नहीं? ना, 1 रुपया ना, 1 टका ना हमारे अकाउंट में छे। टका कत गेले? हमरो नहर में काम कर लिए, हमरा पैसा नहीं मिलेगा, लेबर कार्ड में नहीं मिलेगा। लूट कर लोग खाए जगह, खाता पर टका उठा कर खाए जगह खाए जा छे, तो हमरा आर कथी खेबे? तो कि हम लोग नहर सर में काम किया है, और उस हम सब टका उठा लेलके। हमरा ऊपर लता छे सर का काम खट लिए कि 1 टका भी नहीं, तो अभी सरकार तरफ से कह दी काटा है। समस्या यह है कि नहर में काम करा 15 दिन 16 दिन, पकड़ मजदूरी नहीं मिला। अच्छा, हम यही चाहते हैं, हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा सर। हाँ, यही चाहना और कोई? अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं सर, नहीं मिल रहा। मुखिया कहना ये चाह रहे थे कि ये मेरा जो देख रहे हैं ना, ये मुख्य सड़क से मेरा घर तक मिट्टीकरण कार्य था, उसमें ये बिचौलिया जो जिसके नाम से आवेदन दिया गया है, उसने 10 टेलर मिट्टी सिर्फ डाला उसमें। अच्छा, और उस मिट्टी को बराबर कर दिया, और 1,80,000 का योजना था सर। अच्छा, और उसको पूरा गमन कर दिया। ये किसके अंदर आता है? ये आता तो है पीआरएस के अंदर। अच्छा, लेकिन उसको भी छोड़ दिया उसने। अच्छा, ये छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो जाने, लेकिन हमको इसमें काम लेना था, क्योंकि मेरे अकाउंट अमाउंट नहीं चाहिए था, काम होना चाहिए था, काम नहीं हुआ। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, ये ऋषिदेव टोला है और ये बहुत ही गरीब लोग हैं। इनको, इन पे जल्द से जल्द चाहिए जिला प्रशासन को कि इनको जो भी, इनके साथ जो भी समस्या हुई है, उनको उन समस्याओं का समाधान करें। मैं और भी खबरों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। आप देखते रहिए NSTV बिहार।